आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया गया है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक की प्रायिकता पी है, जबकि पी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो पी ए बटे ए सम्मिलन बी होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर चार विकल्प बताए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले हम इसमें जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो कुछ इस प्रकार होता है, पी ए श्रवनिष्ठ बी बटे पी बी। परंतु इस प्रश्न में हमें जो दिया गया है वो बी की जगह पे क्या दिया गया है, ए सम्मिलन बी। उसके लिए हमें पहले निकालना होगा यहाँ पे पी ए बटे ए सम्मिलन बी बराबर पी ए श्रवनिष्ठ ए सम्मिलन बी बटे पी ए सम्मिलन बी। तो यदि हम ऊपर देखें, सबसे पहले क्या दिया गया है, ए सम्मिलन बी और ए में श्रवनिष्ठ क्या होगा, तो इनका श्रवनिष्ठ हमेशा क्या होगा, ए। और नीचे क्या हमारे पास, पी ए सम्मिलन बी। तो हमें समझना होगा कि हमने ए श्रवनिष्ठ ए सम्मिलन बी को ए कैसे लिखा। इसका यदि हम यहाँ पर एक उदाहरण समझें तो वहां से मेरी बात समझ में आ सकती है। जैसे कि ए कोई समुच्चय है एक दो तीन, और बी कोई समुच्चय है दो तीन चार, और ए सम्मिलन बी क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। तो इस प्रकार ए सम्मिलन बी मतलब एक दो तीन चार और ए एक दो तीन, इन दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है, मतलब उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ होगा वो क्या निकल के आएगा, एक दो तीन, मतलब ए ऐसा कैसा ही आएगा, क्योंकि ए सम्मिलन बी में ए पूरा जो है समुच्चय वो ऐसा कैसा यहाँ पर भी आता है, क्योंकि सम्मिलन का मतलब होता है उसमें दोनों ही समुच्चय आ जाते हैं लेकिन कोई भी अवयव दो बार प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा वो हमेशा ए के बराबर होगा। तो इसी का प्रयोग करके हमें यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी को ए लिखा है। अब हमें इसके लिए पी ए चाहिए, जो कि प्रश्न में बताया गया है, ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि प्रत्येक की प्रायिकता पी के बराबर है। तो पी ए हमारा किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। परंतु नीचे हमें लिखना है ए सम्मिलन बी, तो उसके लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, पी ए जमा पी बी घटा पी ए सर्वनिष्ठ बी। उसके लिए हमें पी ए का मान दे रखा है, पी बी का भी मान दिया हुआ है, परंतु ए सर्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, उसके लिए प्रश्न में क्या बताया गया है, ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं में हमेशा ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता इसके बराबर होती है, ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता। तो इसका प्रयोग यदि हम इसमें करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता की जगह हम लिखेंगे पी गुणा पी, मतलब पी ए गुणा पी बी। और यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो पी रहेगा, नीचे से हम पी को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे दो पी हो गया तो यहाँ पे दो बच जाएगा, यहाँ पी की घात दो हो गया तो पी तो बाहर आ गया, एक पी बच जाएगा। तो इस प्रकार ऊपर नीचे पी से पी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक बटे दो घटा, ये आ जाता है हमारा आखिरी उत्तर जो कि प्रश्न में पूछा गया। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।